और आज नीलम जी अब तो हम लोगों के साथ आ गई है, इसके लिए ताली बजा दो आप लोग। आपने इनको चुना था, ये वही नहीं का क्षेत्र है, आपने इनको चुना तो हम कहे कि चलो हम भी इनको चुन लेते। और हमने पब्लिक का सम्मान करते हुए एक जोरदार ताली बजा के अपने नीलम किशन पहलवान जी का स्वागत कर दीजिए। जो बीजेपी की जीत में जीतते हैं और कभी बीजेपी का नुकसान हो गया तो दुखी हो जाते हैं, ऐसे हमारे भाई बहन मंचासीन सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका नमन करता हूं। सामने जो जो जमीन पे बैठे हैं सब जमींदार लोग, भाई जो जमीन पे बैठेगा वो जमींदारी है ना? जो जमीन पे बैठे सब जमींदार लोग, जितना लोग कुर्सी पे बैठे हैं सब चेयर पर्सन लोग, सब चेयरमैन ना बैठे भाई जी, बैठ गए लोग बैठ गए। और जितने हमारे अगल बगल खड़े लोग हैं वो हमारे दिल्ली के पहरेदार लोग हैं, आप सभी को मैं मनोज तिवारी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और आपके सामने मैं आज विशेष उद्देश्य से आया, सबको पता है मनोज क्यों आया है, दीदी को भी पता है, भैया को भी पता है, बड़े बुजुर्गों को भी पता है कि मनोज तिवारी आया है इसलिए कि विधानसभा का चुनाव है। मेरे ये जो साउंड वाले भैया इसको बढ़ाना मत, पहले जैसे था वैसे ही रखना, ज्यादा आवाज फैलनी नहीं चाहिए। मैं आप सबके बीच में अभी जब आया हूं तो मेरी एक ही प्रार्थना है, बहुत दिनों के बाद पूर्वांचल के किसी व्यक्ति को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है उसका लाज रख लेना मेरे भाई बहन, ये मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। पूर्वांचल के लोग कभी तोड़ते नहीं है, पूर्वांचल के लोग जोड़ते, पूर्वांचल के लोग मेहनत करते, और यहाँ के गांव के लोगों के लिए हम इसलिए श्रद्धा देते हैं कि जो भी हमारे गांव से आया, यूपी से आया, बिहार से आया, उत्तरांचल से आया, हिमाचल से आया, तो यहाँ के लोकल लोगों ने उसको बड़े प्यार से उनको जमीन दी, घर दिया, उनको रहने की सुविधा दी, और तब जाके ये जन समुद्र यहाँ बैठा है, ये सब आपस में प्रेम से यहाँ बैठ के रहते हैं। और आप ही के कारण, कोई पूछता है मनोज तिवारी दिल्ली का अध्यक्ष कैसे बन गया, मनोज तिवारी में से क्या खास बात था कि वो दिल्ली का अध्यक्ष बना? मेरे अंदर पता नहीं क्या खास बात था, मुझे नहीं पता। खास बात ये थी कि आप लोग इतनी संख्या में मनोज तिवारी के लिए खुशी व्यक्त करते थे, ताली बजाते थे कि आपके ताकत से मनोजवा दिल्ली की बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। और मैं जब अध्यक्ष बना हूं, मेरी अध्यक्षता में पहली बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, और इस चुनाव में हम आप सबके सामने हाथ जोड़ करके जो आपने ये शॉल दिया इसको रख करके अपने कंधे पर सम्मान समझ के आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं मेरे भाई बहन। 8 फरवरी को कमल का बटन दबा के 21 सालों से जो बीजेपी को बनवास दिया उसको दूर करिए, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती है, बीजेपी जो कहती है वो है। थोड़ा जोर से बोलिए, मोदी जी को भी सुनाई दे, बीजेपी जो कहती है वो है। इसमें कोई डाउट है? बीजेपी ने कहा था हम जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे, तो हटाया कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, हटाया तो हाथ उठाई, आप खुश हैं कि नहीं? तो मोदी जी के लिए ताली हो जाए। हम एक नारा लगाते थे मेरे भाई बहन, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। 70 साल से राम जी
भैया शांत रहो, पढ़ेंगे हम। आप जब भी कुछ तकलीफों होता है, अरे राम अरे राम 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 कहते हैं ना। जो दुख में कहता है राम, जो सुख में कहता है राम, उसके भगवान राम टेंट में पड़े थे। और जब जब उनका केस चलता था, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो सीधे कोर्ट में जाके कहती थी किस किस फैसला मत करो, फैसला मत करो, फैसला टाल दो, फैसला टाल दो। क्यों टाल दो? क्योंकि उनको पता था कि फैसला आएगा तो राम जी के पक्ष में आएगा, इसलिए फैसला टलवाते थे वो। 70 साल से देश आजाद होने के बाद, जो 500 साल पहले एक हमारे भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया गया, उस पे हमारे जो आक्रमणकारी आए थे देश पे, उस पे मस्जिद बना दी। हमारे देश के लोग कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि सरकार नहीं करने देना चाहती थी। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने करवा दिया, अब लोग कह रहे हैं अमित शाह जी ने करा दिया, अब लोग कह रहे हैं बीजेपी ने कराया। ना, ये गलत है। अगर आज भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हो गया, आगे साल डेढ़ साल में दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान राम का मंदिर खड़ा होगा, तो ये बनाने वाले मोदी जी से पहले आप जनता लोग हैं। आपने कमल को वोट दिया, आपने बनाया, इसलिए मैं कहता हूं बीजेपी जो कहती है वो। और बीजेपी अब क्या कह रही है? भाई मान लो बीजेपी जो कहती है वो करती है, तो बीजेपी आज क्या कह रही है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बीजेपी ने कहा बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, ये कहा ना प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो खाली कहने से तो नहीं होगा। तब हम लोगों ने इस बार संकल्प पत्र लाओ भाई मेरा, हमने इस साल अजीत खड़खड़ी जी के इस विधानसभा में जो पूरे प्रदेश के लिए दिल्ली के लिए संकल्प पत्र आया है, वो संकल्प पत्र आपके समक्ष है। और संकल्प पत्र में बहुत 67 बातें कही गई हैं। उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। लोगों को बेटी पैदा होती थी तो लोग दुखी हो जाते, बेटी की शादी कैसे करेंगे, बेटी कहीं हमारे करीबी में बोझ तो नहीं बन जाएगी। नरेंद्र मोदी जी से गारंटी लेके हमने तैयार किया है, अब जब किसी गरीब के घर में बेटी पैदा होगी तो उसके पैदा होते ही उसके अकाउंट में बीजेपी की सरकार बनते ही हम तुरंत उसका अकाउंट खोल के उसके अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, और जब वो 21 साल की होगी तो 2 लाख रुपया उस बेटी के नाम से उस अकाउंट में रहेगा। ऐसा हमारे बीजेपी का ये पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प है, जब बेटी वो 9वीं क्लास में जाएगी तो हम उसको तुरंत पढ़ाई के लिए उसको साइकिल देने का काम करेंगे, ये भी बीजेपी का संकल्प है। और जब वो 12वीं पास करके कॉलेज में जाएगी तो उसको स्कूटी देने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। हमारे नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने ये संकल्प पत्र में दिया। गरीबों को राशन के दुकान पे लाइन लगाना पड़ता है, राशन का कार्ड उनको नहीं बनता। हम दिल्ली की सरकार, अपनी बीजेपी की सरकार बनते ही 11 फरवरी को 8 महीना के अंदर, 8 महीना के अंदर दिल्ली का कोई ऐसा व्यक्ति जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको राशन कार्ड पाने का अधिकार है, उसको राशन कार्ड देके उसको पहले राशन कार्ड से लैस करेंगे। उसके बाद जो अभी 2 रुपया किलो आटा मिलता है उसको पिसवाने में 5 रुपया किलो लगता है,
7 रुपया किलो हो जाता है, जिसको आटा ही लेना है तो 10 रुपया किलो पड़ता है, लेकिन जो 7 रुपया में पिसवा के तैयार करता है उसको गेहूं सुखाना भी पड़ता है, गेहूं भिगाना भी पड़ता है कि नहीं दीदी? गेहूं भिगाएंगे, फिर गेहूं सुखाएंगे, खटिया वटिया पे चाहे कहीं जमीन पे कपड़ा बिछा के गेहूं डालेंगे ना। हमार माई सब कैले भैया, हमारा मालूम बा, देखले बानी सब, तो कम से कम 1 या 2 दिन तो लगता है ना गेहूं सुखाने और भिगाने में। अगर लगता हो तो बता, नहीं गलती बोलूंगा तो टोक दीजिएगा कि नहीं मनोज बाबू तुम गलत बोल रहे हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने गरीबी देखी है मनोज तिवारी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा इसको क्या करें, हमने कहा सर इसका कुछ उपाय करिए, और अब हम लोगों ने निश्चय किया है कि 2 रुपया किलो गेहूं की जगह हम 2 रुपया किलो ही दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारकों को 2 रुपया किलो शुद्ध गुणवत्ता का आटा देने का काम करेंगे। ये भी हमारे इस घोषणा पत्र में है। मेरे भाई बहन, हम लोगों ने इस दिल्ली के नए 200 स्कूल बनाने का निर्णय लिया है, 20 नए कॉलेज बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि बीजेपी वही कहती है जो कर सकती है, जो हम नहीं कर सकते ना उसके लिए हम आगे बढ़ने में थोड़ा संकोच करते हैं। हमारा भाई संजय राय यहां जिले का महामंत्री है, तो हमको कह रहा था भैया यहां आएंगे तो संकल्प पत्र बताएंगे। हमने कहा मैं वही बताने आ रहा हूं, मैं तो रिंकिया के पापा हूं, मैं रिंकिया के पापा हूं, मैंने गाना गाया ना। कुछ लोग हमको रिंकिया के पापा कह के चिढ़ाते हैं, और मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, मुझे गर्व है कि मैं एक रिंकिया एक बेटी का पिता हूं, इस नाते मुझे गर्व है साहब, मैं सच में रिंकिया का पापा। बेटी रिंकिया के पापा मतलब बिटिया के पापा ना, रिंकिया किसको बेटी को कहते हैं ना माता जी, रिंकिया तो बेटी का, रिंकी पिंकी टिंकी ये सब नाम बेटी का कि बेटा का है। बेटी का पिता होना, बेटी का पापा होना शर्म की बात है कि गर्व की बात है? थोड़ा जोर से बोलिए, गर्व की बात है, गर्व की बात है। जब गर्व की बात है तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसमें शर्म क्यों आ रही है? उनको लगता है बेटी का पापा, बोले रिंकिया की पापा क्या? अरे भैया, नरेंद्र मोदी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी की क्यों बोझ होती थी? क्योंकि बेटी पैदा होने पे गरीब को लगता था मुझे कौन सहारा देगा। मनोज तिवारी, दिल्ली की जितनी बेटियां हैं, मैं उन बेटियों को अपनी बेटी की तरह मान के मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने वाला हूं। अजीत खड़खड़ी जी के साथ, सतपाल मलिक जैसे लोगों के साथ, नीलम जी जैसे बहनों के साथ हम एक पूरा मुट्ठी बांध के हम शपथ लेते हैं कि अब हम दिल्ली की बेटियों के पिता को माता को रोने नहीं देंगे। अगर इस पे खुशी हो तो ताली बजाइए, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा देश देख रहा है, लाइव चल रहा है। आप ये बताइए, आपके क्षेत्र में साफ पानी आता है? क्या गंदा पानी आता है? गंदा पानी से कितने लोग परेशान है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए, इनको लगता है कि गंदा पानी से परेशान? ये देख लीजिए, दृश्य देखिए, दिखाओ भाई, जो लोग लाइव कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया के लोग, इनको दिखाइए एक बार, थोड़ा उठा। आप लोगों को भी पानी की परेशानी है? कहेंगे आप रख दीजिए हाथ। नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया है, और ये हम 6 महीना 1 साल में नहीं कर पाएंगे। हमने शपथ लिया है 3 साल का समय लगेगा, 3 साल के अंदर हर घर के अंदर नल से शुद्ध जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
और हम अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं है कि हर साल बोलते हैं और अच्छा अगला साल कर देंगे, अच्छा अच्छा ये साल नहीं अगला साल कर देंगे। अरे भैया अभी भी बोल रहे थे अगले 3 साल में कर देंगे, जब मोदी ने बोला तो उसी बात को बोल रहे हैं। हमने कहा आम आदमी पार्टी वाले भैया अब तुम्हारा टाइम हो गया समाप्त, अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली को चलाने को तैयार है, उसी में आपसे मैं अजीत खड़खड़ी मांगने आया हूं। आप सबसे मैं अजीत खड़खड़ी जी को कमल का बटन दबा के मांगने आया हूं, क्योंकि भैया जो 4.5 साल तक रोता रहा तो मोदी जी तो अगर वो 5 साल है वो रोने की जरूरत थोड़ी है, हंसने की जरूरत है कि रोने की जरूरत है। वो लोग धरने में हीरो है, भारतीय जनता पार्टी करने में हीरो है मेरे भाई बहन। इसलिए मैं आप सभी के बीच में ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उठ जाग मुसाफिर भोर भाई। आपके भी पिताजी ने सुनाया हो, सब लोगों का मैं मुस्कान देख रहा हूं, पीछे भी देख रहा हूं। मेरे बाबूजी एक गीत सुनाते थे हमको कि उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो गुनगुना तो आ भी रहे हैं। मेरे साथ गुनगुनाइए, ये बड़ी शक्ति देता है गीत, शक्ति देते गीत। गाने वाला कभी भी किसी को मारने की बात नहीं कर सकता, नफरत की बात नहीं कर सकता। लेकिन देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में नारे लग रहे हैं प्रधानमंत्री को गोली मार दो, अमित शाह को गोली मार दो नारे लग रहे। यहां एक शाहीन बाग जगह है वहां नारा लग रहा है कि हिंदुओं की कब्र खोदेंगे, वहां नारा लग रहा है जिन्ना वाली आजादी चाहिए। ऐसा नारा लगाने वाले लोगों को समर्थन देने वाली आम आदमी पार्टी, ऐसे नारों का समर्थन देना चाहिए मेरे भाई बहन। हिंदुओं की कब्र खोदने की बात करने वालों को समर्थन देना चाहिए, और हमारे आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम बोलते हैं हम शाहीन बाग के साथ। शाहीन बाग का नाम सुने आप लोग, सुने हैं आप लोग, वहां 49 दिन से रास्ता रोक के बैठे हैं, जो रास्ता 15 मिनट में पूरा होता है। भैया आपने देखा होगा, भैया नमस्ते भैया, 1 घंटा में पूरा हो, और वहां पे नारा लग रहा है देश के खिलाफ नारा लग रहा है। और हमारे आम आदमी पार्टी यहाँ के कौन विधायक थे पहले, अच्छा वही जिनके घर में 144 करोड़ पकड़ा गया था, अरे बाप रे यही वाला दगैया है, एक एक माल निकाल लो घर से 8 फरवरी को। आप लोग मेरे भाई बहन 8 फरवरी को उनका सब बोरा से निकलना चाहिए। बताइए जो मिनिस्टर होके और जनता की पैसा को लूटने का काम करता, जो लोग कहे थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आएंगे, वो ऐसा भ्रष्टाचार में डूबे हैं, और मनोज तिवारी और नरेंद्र मोदी उनको कैसे बचाएंगे। जो जैसा करेगा वैसा, मेरी उनसे या किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो गरीबों का पैसा लूटेगा उसका तो जहाज डूबेगा ना भैया, उसका जहाज डूबेगा कि नहीं डूबेगा। मेरे भाई बहन मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, आप लोग 8 फरवरी तक जागे रहिए, उसके बाद जागने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और ये टीम की है जो यहाँ पे खड़ी है। इसी प्रार्थना के लिए हम आए हैं। मेरे साथ एक बार गुनगुनाइए,
कि उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब रैन कहाँ जो जो जागत है वो जो सोवत है वो यही लाइन है यही मंत्र है। और जो लोग गरीबों को रुलाए हैं वो आजकल रो रहे हैं उसके लिए भी हमारे बाबूजी गाते थे कि जब पाप की गठरी शीस धरी अब शीस पकड़ क्यों रोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर। ये नजफगढ़ से कहता मनोज तिवारी है अब के बीजेपी की बारी है। ये अजीत खड़खड़ी खड़खड़ा देंगे देखो जी गलवे तो गाँव में क्या करते हैं। हम नफरत की भाषा नहीं बोलते हैं भैया और हम कभी बोलेंगे भी नहीं। और ऐसा मत समझो विपक्ष वालों कि हमें बोलना नहीं आता। हम लोग भी ये जो बम लेके चल रहे हैं ना कातिल लोग गलियों में जिनका हाथों में अपने बम फट गया तो जैसा करोगे वैसा हम जवाब दे सकते हैं लेकिन हम जवाब नहीं देंगे तो क्योंकि तुम लोग जनता में भ्रम फैला रहे हो। लेकिन आज जनता बीजेपी के साथ है। एक बार दोनों हाथ उठा के बता दीजिए मेरी बातों में अगर दम है जो पीछे लोग हैं एक बार सबके हाथ उठने चाहिए हथेली इधर होनी चाहिए आशीर्वाद दे दीजिए अपने अजीत खड़खड़ी को आशीर्वाद दीजिए हमारे बीजेपी को और प्रेम से बोलिए भारत माता की भारत माता की बीजेपी। मैं जानता हूँ कुछ बच्चे कह रहे भैया रिंकिया के पापा गा दो। देखो मैं तो गाता ही हूँ। अच्छा एक बात बताइए मैं सांसद बन गया अध्यक्ष बन गया तो क्या मुझे गाना छोड़ देना चाहिए? मेरे गाने से आप खुश हैं ना? जब तो लोग खुश बाड़ा तो फिर कौन हमको गाना गाने से रोक सकता है भैया। मेरे मोदी जी कहते हैं मनोज कुछ भी हो जाना जीवन में लेकिन गाना गाते रहना क्योंकि गाना गाते गाते कितनी क्रांति हुई है। हम गाते हैं ना अरे चट दे निमार दे खींच के तमाचा ही हंस दे रिंकिया के ही हंस दे रिंकिया के सुनीला की मरद के ना नाम लिहल जा। अब देखो एक मेरी उधर भौजी बैठी है वो रजा रही अरे भाई हमारे बड़ बुजुर्ग यही ना समझाते थे कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना। सिया से पूछे कोल भील है कौन तुम्हारे पति हो तो सिया जी ने इशारे से कहा जो आगे आगे चले रहे कौन है तुम्हारे पति ए सिया सुकुमारी। सिया जी बोले नाम बताऊंगी नहीं आगे आगे चलते हैं स्वामी। क्यों कहा जाता है ये हमारी संस्कृति है वही तो हम गीतवा में गा रहे हैं कि सुनीला की मौरत के ना नाव लिहल जाला उनका बिना नाव लिए कुछ न कहाला नाव लेके पहली की चाय तो जरा सा। समाज बदला था भाई कभी कभी पति लोगों को भी पत्नियों को चाय वाय पिलाना चाहिए थोड़ा सा क्या इसमें मेहनत इसमें घबराने की। जो अपने पत्नी को कभी कभी जो 6 दिन चाय पिलाते एक दिन पिया देवो तो दुबरा जी वो। मेरी खुशी बांटने की इच्छा है
आप सब खुश रहिए, इसलिए हम आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 साल का आशीर्वाद मांगने के लिए हाथ फैला के खड़े हैं। और हमारी पूरी टीम के साथ हमें पूरा विश्वास है। और सुनिए, हमें काम और करने जा रहे हैं। एक हम किसी जगह गए थे तो एक बेटी खड़ी हो गई और बोली, अंकल मैं डांस करना चाहती हूं लेकिन हमें डांस करने का कोई स्कूल नहीं मिल रहा है सरकारी। मैंने मोदी जी को बताया, इस संकल्प पत्र में हमने डिसीजन लिया है, हर जिले में एक सेंटर ऐसा बनाएंगे जहां कोई बेटी पेंटिंग करना चाहती हो, कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता हो, गाने का हुनर हो, किसी के पास बहुत बड़ा बड़ा डिबेट करने का हो, उसके पास एक्टिंग करने का हुनर हो, तो ऐसे लोगों को भी सरकार को ऐसे हुनर को टैलेंट हंट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी ने शपथ लिया है हर जिले में एक सेंटर बनाएंगे और 2000 करोड़ रुपया ऐसे टैलेंट हंट के लिए लगाएंगे। ऐसी भी हमारी तैयारी हो रही है। मेरे भाई बहन, आप सबको प्रणाम करता हूं, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अरे जिया हो बिहार के लाला, जियत रहो भाई, हमने तो कहा ही है, अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, अरे जिया हो यूपी के बाला, जिया 10000 साल, जिया हो दिल्ली के नौनिहार, तनी नाची के तनी गाई के, 8 फरवरी के कमल के बटन दबावा ये भैया 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 भैया, मनोज तिवारी के सीना चौड़ा बनावा ये भैया, मोदी ने किया है जो विश्वास वही के जगावा ये भैया, और जीतला के बाद मनोजवा के फिर से बुलावा ये भैया। मैं चाहता हूँ नीलम जी आज के कार्यक्रम में आप सबको पधारने के लिए धन्यवाद करें। नीलम जी को धन्यवाद करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद सभा का समापन करेंगे।